नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अतिक्रमण रोकने के लिए ग्रामीणों ने सिविल लाइन थाना प्रभारी के नाम सौंपा ज्ञापन। पक्के मकान का निर्माण रोकने हेतु कैप्सूल फैक्ट्री के सामने किया विरोध प्रदर्शन। जी हां, विदिशा में सोटिया फाटक रोड स्थित नेशनल कैप्सूल फैक्ट्री के सामने बंद रहेगा नव निर्माण। मकान का निर्माण रोकने के संबंध में ग्रामवासियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और निर्माण को रोकने के लिए सिविल लाइन थाना प्रभारी के नाम लिखित आवेदन प्रेषित किया गया। ग्रामवासियों का कहना है कि गांव में अंतर होने के लिए 80 फीट की रोड छोड़ी गई है, मगर संतोष चौक से की बिल्डिंग का कारखाना है, वहीं संतोष चौक से द्वारा रास्ते में अतिक्रमण करके पिलर खोदकर पक्का निर्माण किया जा रहा है, जिससे उक्त रास्ता सकरा होकर दर्शकों को अपने तीत उपकरण खेतों तक ले जाने में असुविधा होगी, जिसके चलते सिविल लाइन थाने में एक ज्ञापन सौंपा गया और जिसका विरोध प्रदर्शन किया गया। अब चलते हैं विदिशा, जहां से हमारे संवाददाता तोरण सिंह शिल्पकार अधिक जानकारी दे रहे हैं। अरशद खान नाम है मेरा। ये विदिशा और सोंटिया गांव का मेड़ा है, काफ़ी चौड़ा मेड़ा है, 80 फीट बताया जाता है। इसमें क्या है कि अंदर जाने के रास्ता पर निर्माण हो रहा है, तो ये आगे जाने का रास्ता ही बंद हो जाएगा। तो हम चाह रहे हैं कि इसकी नपती हो गई, अपना काम करवाएं, उससे पहले कोई काम करवाएं नहीं। अगर ये मकान बन जाता है तो फिर लाइन से हम और भी मकान बनेंगे, हम उनको रोक नहीं पाएंगे। ये फर्स्ट मकान बन रहा है तो इसको पहले रोका जाए। मेरा विजय सिंह कुशवाहा। क्या मामला है, किस जगह पे खड़े हैं? ये हमारा रास्ता है। कौन सा जगह कहलाती है? ये है कैप्सूल फैक्ट्री के सामने। तो क्या हो गया ये यहाँ से रोड जो मकान बना रहा है ना, ये गलत बन रहा है। इनके पास रजिस्ट्री है तो ये रजिस्ट्री बताएं अपन कि भाई हमारे यहाँ से है, और अगर उनकी यहाँ से है तो यहाँ से बता दें, तो अपन यहाँ से छुड़वा दें, क्योंकि रास्ता। अभी आपने किसी से शिकायत करी? शिकायत करी ना, पटवारी एसडीएम साहब को आवेदन दिया। क्या नाम है और क्या मामला है? भगवान सिंह कुशवाहा नाम है। आगे हमारी खेती है। मामला ये है कि वर्तमान में जो व्यक्ति यहाँ कॉलोनी काटा है, उसने अवैध रूप से कॉलोनी करने काटने की वो करा है, ना तो उसके पास कोई परमिशन है। क्या नाम है उनका? अब कॉलोनी वाले का नाम है संतोष चौबे। संतोष चौबे। अच्छा, क्या मामला, कितने फीट का रोड था जो? मामला ये है कि हम लोगों की पैतृक संपत्ति है, तो पता है कि हमें 80 फीट का दिखाया गया था कि 80 फीट का रोड है, और हम मौके पे मात्र 8 फीट और 10 फीट का भी नहीं दिख रहा। क्या चाहते हैं? बस ये चाहते हैं कि इसकी पूरी क्लियर नपाई हो जाए, जितना हमारा मेड़ा है वो छोड़ के उनका अपना निर्माण करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है।